मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में मीडिया के प्रतिनिधियों से चर्चा की। उन्होंने कहा, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज 16वीं विधानसभा सत्र का पहला दिन है और सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने मेरे साथ शपथ ली। जय महाकाल। आज 16वीं विधानसभा का सत्र का पहला दिन है और हम सब नवनिर्वाचित विधायकों ने मेरे सहित सब ने शपथ का क्रम जारी रखा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमने पहले दिन में ही एक सकारात्मक संदेश भी दिया है। पक्ष विपक्ष ने मिलकर के हमारे नवीन विधानसभा अध्यक्ष का नामांकन का फॉर्म जमा किया है और मैं दल के नेता के होने के नाते से विपक्ष के इस सकारात्मक सहयोग का स्वागत भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि विपक्ष अपना सकारात्मक रचनात्मक उनकी भूमिका वो निभाए और हम अपनी भूमिका निभाते हुए प्रदेश के विकास के क्रम में और नित नई नवीन ऊंचाइयों तक मध्य प्रदेश को ले जाए। मैं अपनी ओर से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस सरकार को डबल इंजन की सरकार के रूप में ले जाने का संकल्प करते हैं। हमने मोदी जी का अभी का बनारस का भाषण सुना है, वो सारे उनके सपने और वो सारी योजनाएं जो देश की प्रदेश की भलाई के लिए जो लागू कर रहे हैं उसमें सार्थक भूमिका निभाते हुए, जैसे उदाहरण के लिए श्री अन्न अर्थात मोटा अनाज को लेकर के मध्य प्रदेश का आदिवासी अंचल बहुत बड़े पैमाने पर इसका अपना दायरा कवर करता है और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है तो हमारा अपने बाबा महाकाल के महालोक से लगा करके ओरछा के राजा राम के मंदिर तक, सलकनपुर से लगा करके कटनी मैहर की माता जी तक सारे देवस्थानों को लेकर के हम रोड मैप बना रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा ये प्रशासन का विकेंद्रीकरण भी हो, अर्थात हमारी जिले के जिला कलेक्टर इकाई, संभाग के संभाग डिविजनल इकाई ये और अंत में प्रदेश इकाई, तो ये जो हमारा अपना विकास के क्रम को नीचे तक उतारने का जो क्रम जारी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे अपने सभी विधायक जो नवनिर्वाचित आए हैं या मंत्रिमंडल के मंत्रीगण का भी गठन होगा तो सबको अपनी प्रशासनिक दक्षता के लिए जो जो जरूरी है ऐसे वर्ग लगा करके उनकी भी बाकायदा ट्रेनिंग कराएंगे ताकि डे फर्स्ट से वो अपना काम अपनी दक्षता के साथ करे। कैबिनेट गठन को लेकर सीएम यादव ने कहा, हमारा समृद्ध विधायक समूह निर्वाचित होकर आया है, शीघ्र ही जन कल्याण और विकास को समर्पित मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। भोपाल से मृदुभाषी प्रदेश के लिए रश्मि जैन की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।